हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने एरर एनालिसिस किया था, एरर्स की डेफिनेशन देखी थी, एरर्स के मीनिंग देखे थे, एरर्स के रीजन देखे थे। तो ये जो छोटा सा वीडियो आज आपको दिया जा रहा है, इसका पर्पस बस यही है कि रेगुलर क्लास के अलावा कुछ कुछ एडवांस के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफिकल्ट हैं, उनको हम लोग वीडियो के थ्रू छोटे छोटे चंक्स में बांट करके सीखेंगे। और इस हर एक वीडियो के बाद आपको एक असाइनमेंट शीट मिलेगी जो कि आपको करनी है, और उसके बाद अगली क्लास में उसे डिस्कस कर लेना है। दैट्स ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग एरर के अंदर एरर का जो प्रोपोगेशन था, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और पावर का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके जस्ट एक आगे वाली चीज देखेंगे जिसमें इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा विद क्वेश्चंस। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, पूरा देखना है, इसके बाद जितना भी असाइनमेंट मिलेगा उसे सॉल्व करना है और अगली क्लास में डिस्कस करना है। हाँ, कुछ बच्चों को लेक्चर्स में अगर दिक्कत आई है या कोई भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में अगर उनको डाउट है या कुछ भी उन्हें डाउट ही है, तो हर एक लेक्चर के बाद, लगभग आपके हर एक लेक्चर के बाद से एक 30 मिनट्स का डाउट सेशन रखा गया है अगले दिन, जानबूझ के अगले दिन रखा गया है, ताकि आपके पास पूरा दिन हो उसे सेल्फ स्टडी करने के लिए। एंड नेक्स्ट डे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसे अगले लेक्चर से पहले जरूर क्लियर कर लें। 30 मिनट्स इसलिए रखे गए हैं कि 30 मिनट्स इज अ वेरी लेस टाइम, आपको भी कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा कि एक साथ मुझे 2 घंटे की डाउट क्लास में बैठना है। नो, आप आओ, अपना डाउट पूछो और आराम से। जनरली बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, पूरा तो आपने लेक्चर में पढ़ा ही था, लेकिन वो जो आपको प्रॉब्लम कर रही चीज़ें वो थोड़ा सा पर्सनली इंटरेक्ट करके दूर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कल हमारा 2 बजे सेशन है, 30 मिनट्स का डाउट सेशन, तो उसमें आप लोग आ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जरा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये हमारी मेजर्ड क्वांटिटी थी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने मेजरमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और हमने देखा कि सेम सेटअप में कई सारी मेजर्ड वैल्यू आ रही हैं। अब उनमें से ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमने मीन ले लिया, क्योंकि हमें पता है उससे रैंडम एरर कैंसिल हो जाएगी, और सिस्टमेटिक एरर तो हमने पहले ही हटा दी थी। तो ये जो स्मॉल एक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी ट्रू वैल्यू, जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए वो मीन वैल्यू। फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी गए, हमने ये देखा कि अब मैं जब अगली बार मेजरमेंट करने जाऊँगा तो उसके अंदर वो जो वैल्यू आएगी वो इससे मैच नहीं करेगी, ये इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, इससे वेरी कर सकती है। तो उसी वेरियंस को मेजर करने के लिए हमने डेल्टा एक्स भी लिखा है, जो कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स होता है। एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और जो वो डिफरेंस आया उसके मैग्नीट्यूड को हमने मीन, उसका मैग्नीट्यूड का मीन निकाल लिया, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो इससे हमको आइडिया हो गया कि अगली बार जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उसकी रेंज क्या होगी, वो इस वैल्यू से डेल्टा एक्स आगे या डेल्टा एक्स पीछे ही के रेंज में आने की उसकी संभावना है। फिर यहीं से हमने रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की डेफिनेशन लिख दी, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इनटू 100। तो अब जब भी जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या होगा कि आपको यही दोनों कैलकुलेट करने हैं, इसकी मीन वैल्यू और इसकी डेल्टा एक्स, राइट। वो हमने की थी क्लास के एग्जाम्पल में। उसके बाद हमने देखा कि जनरली फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि जनरली हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, हम फॉर्मूला लगा के भी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। तो अगर जैसे कोई भी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा, और वो हमने मेजर करके निकाली है, तो उनमें अपनी अपनी एरर होंगी, और जब आप उनको कंबाइन करोगे, कंबाइन से मतलब ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी आप करोगे, तो उससे जो आपका आंसर है उसके अंदर भी एरर आ सकती है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा था, रादर डिराइव ही किया था प्रॉपरली। हमने क्या देखा था कि एडिशन के अंदर जब दो चीज़ें ऐड होती हैं तो वैल्यू तुम्हें तो आपको ऐड ही करना है, लेकिन जब आप एरर निकालोगे रिजल्ट की तो आपको एब्सोल्यूट एरर ऐड करनी है, यानी रिजल्ट की जो एब्सोल्यूट एरर है वो निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर जो यहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको ऐड करना है। एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी एब्सोल्यूट एरर्स गेट्स एडेड। गेट्स एडेड राइट, कहाँ पे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में। और वही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपने देखा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप देखेंगे चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ये डेल्टा है बाय ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, रिलेटिव एरर गेट्स एडेड। तो यहां का कॉन्सेप्ट ये था, रिलेटिव एरर गेट्स एडेड, ठीक। तो इस तरह से हम एरर के प्रोपोगेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे फाइनल आंसर में, जो कि दो
मेजर्ड क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन से मिलकर बनी होगी। यही नहीं, इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी कि अगर कोई चीज में पावर आ गई, अगर एक ही चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया, अभी सकता है जैसे काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर आता है ना, तो वहां पे जब मैं काइनेटिक एनर्जी की एरर लिखूंगा तो वी की एरर एक बार लिखूं या दो बार लिखूं या क्या लिखूं, तो वहां पे आपको समझा दिया ऐसे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ही चीज पे स्क्वायर क्यूब लग रहा है, तो उसकी पावर को आप रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द एरर इन द मेजरमेंट, राइट। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि मान लो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्स इज इक्वल टू दो चीजें आ जाए, जैसे मान लो अगर ये ए स्क्वायर आ जाए और ये बी क्यूब आ जाए, अब क्या करेंगे? हमने तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का देखा था, डिवीजन का देखा था, पावर का अलग अलग देखा था। तो बच्चों इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, जब आपके सामने पावर्स भी हो और मल्टीप्लीकेशन भी हो, तब इसको आपको इस तरह से विजुलाइज करना है कि एक तरह से ये दो बार मल्टीप्लाई हो गया और तीन बार भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड इन मल्टीप्लीकेशंस रिलेटिव एरर गेट्स एडेड, यानी एक तरह से ये एक दो तीन चार पांच चीजें हैं, इन पांचों की रिलेटिव एरर गेट्स एडेड। सो मैथमेटिकली जब आप इसको लिखोगे तो रिलेटिव एरर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये रिलेटिव एरर ऑफ एक्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन। सो ए दो बार मल्टीप्लाई हुआ, यानी टू टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस थ्री टाइम्स डेल्टा बी बाय बी। याद रहे बच्चे, यहां पे हमेशा ही अपने को ऐड ही करना है, एरर ऑलवेज गेट्स एडेड। अगला, अभी इसमें आपको दो तीन और एग्जांपल दूंगा तो ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो आपके सामने ये लिखा होता है x इज इक्वल टू एक स्क्वायर बाय रूट बी, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको रीराइट करोगे, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी की पावर माइनस हाफ, ठीक। अब लगा दो, अब माइनस हाफ है तो क्या दिक्कत है, जैसे वहां पे हमने थ्री को मल्टीप्लाई किया था पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि बी के ऊपर क्यूब था, अब माइनस हाफ को कर देंगे सो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा रिलेटिव एरर गेट्स एडेड। सो डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू टू टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, प्लस ही करना है बच्चे, भले ही वहां पे माइनस पावर आ रही है, माइनस डेल्टा बी बाय बी, और आपको इनका मैग्नीट्यूड लेके करके ऐड करना है। याद रहे ये दोनों आपस में ऐड ही होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं करने हैं, यही कॉन्सेप्ट है। और देखो फॉर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, जैसे एक्स इज इक्वल टू इन जनरल आ जाए ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू अपॉन सी की पावर आर, कुछ ऐसा आ गया, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको रीराइट करना, ये क्या बन जाएगा ए टाइम्स पी बी टाइम्स क्यू सी टाइम्स माइनस आर, राइट। और देखो तो यहां से डेल्टा एक्स बाय एक्स जब लिखोगे वो क्या हो जाएगा, पी टाइम्स डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव एरर गेट्स एडेड विथ पावर्स प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस आर टाइम्स डेल्टा सी बाय सी मैग्नीट्यूड, ये माइनस साइन इस मैग्नीट्यूड के अंदर से जब निकलेगा तो पॉजिटिव होके ही निकलेगा, राइट। तो आई थिंक ये आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये पहली बात थी। अब कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है, वॉट विल हैपन टू कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने था एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर कोई मुझसे पूछे फाइंड डेल्टा ई बाय ई, राइट, तो आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है सर, अपने को यहां एम दिख रहा है, अपने को यहां पे वी दिख रहा है, लेकिन यहां पे हाफ भी आ रहा है, व्हाट अबाउट हाफ। तो बच्चों ये बताओ, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हाफ हो गया, टू हो गया, फाइव हो गया, ये मेजर्ड वैल्यू थोड़ी है, ये तो परफेक्टली हाफ है, ये तो परफेक्टली टू है, ये तो परफेक्टली टेन है, सो देर इज नो एरर इन हाफ, देर इज नो एरर इन टू। सो जब भी ये हाफ और ऐसा कुछ आए तो रिलेटिव एरर में, रिलेटिव एरर जब भी हम लिखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे, याद है हमने इनकी डायमेंशन भी नहीं लिखी थी, तो इसीलिए वेन एवर वी राइट रिलेटिव एरर वी इग्नोर
कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड, राइट। तो जब भी आप इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर ही लिखोगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जनरली, तो यू हैव टू इग्नोर द कॉन्स्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इग्नोर मतलब इसको कुछ लिखना ही नहीं, तो वहां पे m की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा m बाय m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाय v, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा याद रहे ये एरर एड एरर्स गेट्स एडेड, ये एक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं जो कि 100% आप क्वेश्चन में गलत करते, वो ये है, मान लो अगर सेम क्वेश्चन में दूं E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और मैं आपसे पूछूं फाइंड डेल्टा एम बाय एम, मैं आपसे E के बजाय डेल्टा एम एरर पूछूं, तो एक तरीका तो ये ऐसा है देखने का इसको कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम लिख देंगे सीधे इसको भाई डेल्टा ई बाय ई हमने देखा था इक्वल टू हाफ को लेना नहीं है, डेल्टा एम बाय एम प्लस टू टाइम्स डेल्टा वी बाय वी, और यहां से डेल्टा एम की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा एम बाय एम विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाय ई माइनस टू टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। लेकिन बच्चों यहां पे आप देखो एरर्स आपस में क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप इसीलिए जनरली मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, चाहे मैं डेल्टा एम बाय एम लिखूं, चाहे मैं वी के अंदर एरर लिखूं, चाहे ई के अंदर एरर लिखूं, रिलेटिव एरर ऑलवेज गेट्स एडेड। आपको इनको अभी भी एड ही करना है, यानी इनके मैग्नीट्यूड एड ही करने हैं, आपने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, चाहे आप उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, सो यू गेट द मैग्नीट्यूड। रिलेटिव एरर ऑलवेज गेट्स एडेड, गेट्स एडेड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई, भाई उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आना चाहिए था ना, बट बच्चों ये सिंपल एलजेब्रा नहीं है कि आप इधर से ले गए उधर, ये अंडरस्टैंडिंग है कि एरर हमेशा बढ़नी है, हमेशा एरर जो एड जो रिजल्ट में एरर आएगी वो बड़ी हुई ही आएगी। तो देखो इसके अंदर क्या है, अगर इसी को मैं रीराइट करके ऐसा लिख देता एम इक्वल टू ये हो जाता टू ई बाय वी स्क्वायर, और यहां से अगर मैं डेल्टा एम बाय एम लिखता तो आप समझ गए होगे ये आ जाता टू को इग्नोर कर देते डेल्टा ई बाय ई मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये वेलोसिटी नीचे डिनोमिनेटर में हो तब भी हम वहां पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कर देते थे, तो इसीलिए मतलब या तो आप इसको रीराइट कर लो जिसमें भी आपको एरर निकालनी है, या फिर आप हमेशा एरर ऐड कर दो, एक ही बात है। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट था, ध्यान रहे, मैंने आपको जो असाइनमेंट शीट दी है उसे अटेम्प्ट करो, और अगर कोई डाउट है इसमें इस पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो कल 2 बजे हम लोग की डाउट क्लास है उसमें मिलते हैं। थैंक यू।